नमस्कार, जेवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर भरतपुर जिले के डीक से है, जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण और राज्य सरकार के रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना कराने के लिए एसडीएम हेमंत, कार्यवाहक उप जिला मजिस्ट्रेट अशोक शाह एवं नगर पालिका प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने कस्बे की सब्जी मंडी मुख्य बाजार में बिना मास्क बेवजह सड़कों पर घूम रहे और सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13 चालान काटे, जिनसे कुल 1900 रुपए की राजस्व वसूली की गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने बाजार में खुल रहे एक मंदिर के पट लोगों की भीड़भाड़ न होने के कारण तत्काल बंद करवाए गए। इस मौके पर एसडीएम हेमंत कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तटस्थ है। वहीं उन्होंने बताया कि बेवजह घरों से बाहर घूम रहे 14 लोगों को क्वारंटाइन भी किया है, जिनकी सैंपलिंग भी करवाई जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की एडवाइजरी की पालना कराने को ग्रामीण इलाकों में भी ग्राम पंचायत पर पीओ के निर्देशन में टीमें बनाकर स्थिति पर नजर रखी जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश पंचायत समिति स्तर पर बीडीओ को दिए गए हैं। डीक से मुकेश जांगिड़ की विशेष रिपोर्ट। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ही प्रशासन को सूचना मिली थी कि भाई सब्जी मंडी काफ़ी मात्रा में भीड़ रहती है और समोसे कचौरी वालों की वजह से ये भीड़ और ज़्यादा बढ़ रही है। तो राज्य सरकार का जो रेड अलर्ट पखवाड़ा है, इसमें हमने सुबह तहसीलदार नायर साहब जो साहब के माध्यम से चालान की कार्रवाई की है और ऑलमोस्ट पाया गया कि 90% लोग चालान लगा रहे हैं और बाकी ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद।